कि हम बॉलीवुड विलेन की बात करते हैं, एक ही नाम जो सबसे पहले जेहन में आता है वो है गबर। फिल्म शोले में महान कलाकार अमजद खान द्वारा निभाया गया ये रोल आज भी दर्शकों को याद आता है। आप कह सकते हैं कि जब तक बॉलीवुड रहेगा तब तक गबर को दिलों से भुलाया नहीं जा सकता है। इस रोल के पहले और बाद में कई खलनायक आए और गए, पर गबर का जलवा कभी कम नहीं हुआ। दमदार दहाड़ती आवाज का रूप आज भी वही है जो फिल्म शोले के वक्त था। अमजद खान आज भले ही हमारे बीच ना हो, पर उनके अभिनय को बरसों याद किया जाएगा। रमेश सिप्पी की ऐतिहासिक फिल्म शोले हर सिनेमा प्रेमी के लिए बेहद खास है। उसका हर किरदार नायाब था। इस फिल्म में एक एक किरदार की हजारों कहानियां और किस्से हैं। चुटकुलों की तो भरमार है। जय, वीरू, ठाकुर और गबर अनोखे रिश्ते में बंधे हैं। बीच में बसंती की मासूमियत और नौकर रामलाल की स्वामी भक्ति, मौसी की रुखाई, खान चाचा का सच्चाई, सांभा की वफादारी सब याद है। सब आज भी वैसे ही फेमस हैं जैसे कल की ही फिल्म हो शोले। अपने दौर में खलनायकी का अहम रोल अदा करने वाले गबर सिंह तो सबको याद हैं, लेकिन आज हम आपको उनके परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जल्द ही पर्दे पर आने वाली हैं। अमजद खान की बेटी अलहम मुंबई में ही रहती हैं। कुछ ही दिनों में अभिनेत्री के रूप में सबके सामने होंगी। हिंदी फिल्मों में ये उनकी पहली एंट्री है। शादीशुदा अलहम खान को लेकर बॉलीवुड में चर्चा है, क्योंकि वो कई सालों बाद अचानक पर्दे पर आने के बारे में सोच रही हैं। अलहम खान स्टेज आर्टिस्ट रह चुकी हैं। बताया जाता है कि अहलम अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत करना चाहती है। बॉलीवुड के बेहद खास सूत्रों से ये जानकारी सामने आई है कि मकरंद देशपांडे, जी हां, सत्या फिल्म में जानदार एक्टिंग करने वाले मकरंद फिल्म लेकर आने वाले हैं, जो नाटक मिस ब्यूटीफुल पर आधारित होगी। अलहम फिल्म मिस सुंदरी में किरदार करने वाली हैं। अहलम ने 2011 में जफर कराचीवाला से शादी रचाई थी। उनका भाई शादाब खान बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन फ्लॉप साबित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी।